सालसा बनाने के लिए दो टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के और अच्छे से धो के मोटा मोटा काट लिए। एक हरी मिर्च मैं ले रही हूँ, 3-4 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक टेस्ट के हिसाब से या लगभग 1/4 चम्मच लगेगा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, और आधा चम्मच नींबू का रस। सब चीज़ों को पीसना है हमें मोटा मोटा, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे चॉपर, आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद में डालेंगे हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे नींबू का रस। और अब इसको दरदरा पीसना है और पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इसमें। ये सालसा हमारा तैयार हो गया, निकाल लेंगे। लीजिए सालसा हमारा तैयार हो गया, और इस तरीके से ये थोड़ा दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है। और इसको आप रोटी के साथ में, पूरी के साथ में, या जब भी आपका मन ना हो कोई भी सब्जी खाने का, या घर पे कोई सब्जी ना हो तब आप इसको बना सकते हैं, चटनी के रूप में इसको एंजॉय करें। लाल मिर्च पाउडर लेंगे टेस्ट के हिसाब से, यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है,